22 में देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन बोला है कि इंक्रीज होने से रियल जीडीपी फॉल होगा. तो ऑटोनोमस सेविंग अगर इंक्रीज होगा तो फॉल होगा जीडीपी, करेक्ट है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन दोनों ही विड्रॉवल्स है, तो दोनों बढ़ेंगे तो दोनों जीडीपी विल फॉल. दोनों से बचा क्या? बचा आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो कंज्यूम अगर बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो रियल जीडीपी शुड इंक्रीज ना, नॉट डिक्रीज. तो एक्सेप्शन बोला है, विथ एक्सेप्शन ऑफ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 3 में ना, क्वेश्चन 3 में डाउट है. 3 में हाँ, 10 इज द नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू है 15 to 4, और टोटल कॉस्ट कितना है तुम्हारा 20, विच इज द फिक्स्ड कॉस्ट. एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हो? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टीवीसी, नॉट टीसी. तो सबको ऐड कर दो ना, इन सबको ऐड करेंगे तो 140 आ रहा है, विच इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो ये 160 हो गया, ये आपका 200 हो गया. 40, 40 में नॉर्मल प्रॉफिट 10 है, तो सुपर नॉर्मल कितना हो जाएगा? 30. 40 - 10. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे? देखो, एक्सप्लेन हाउ एडवर्टाइजिंग कैन प्रूव टू बी यूजफुल मैकेनिज्म फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग लैपटॉप कंप्यूटर्स टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में एडवर्टाइजिंग कैसे हेल्प करेगा? एडवर्टाइजिंग से हम क्या करते हैं, अपने डिमांड को इंक्रीज, शिफ्ट टू द राइट, की अवेयरनेस बढ़ाना जिन लोगों को हमारे बारे में नहीं पता उनको, एंड मेक इट मोर इन इलास्टिक. तो शॉर्ट टर्म में बेसिकली आपका अवेयरनेस इंक्रीज होता है, एंड लॉन्ग रन में आप उसको इन इलास्टिक बना सकते हो ब्रांड रॉयल्टी एंड वो सब इंक्रीज करके. तो उसको पूरा डीपली एक्सप्लेन कर देना, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन. ऑल्सो एडवर्टाइजिंग से और एक चीज होता है कि आपका एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो जाता है इन द लॉन्ग रन. फॉर एग्जाम्पल, जो टॉप अभी ब्रांड्स है, लेनोवो, डेल और एचपी, ये तीन लीडर्स है. तो मैक एंड ऑल ऑफ दैट आर देयर, बट ये तीन लीडर्स हैं, ठीक है, विंडोज में. तो अब एक यूएसपी डेवलप हो गया इन सबका, एक अपना नीश डेवलप हो गया. सो बैरियर टू एंट्री क्रिएट हो जाता है इन लॉन्ग टर्म अगर एडवर्टाइजिंग वो करता है. तो स्टेट हाउ मच एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वुड बी ऑप्टिमल फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. कितना ऑप्टिमल है, कितना ऑप्टिमली आपको स्पेंड करना चाहिए ताकि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है इट रिमेन्स इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. आप अगर एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग बढ़ाओगे तो उससे आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा ना. तो आपको उसी पॉइंट तक रखना है जब तक एम आर इक्वल्स एम सी हो, एम आर नीचे नहीं जाए, दैट्स द रूल ऑफ थंब. ठीक है, नेक्स्ट. होटल ए एंड बी आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स विद द सेम वीकली कॉस्ट ड्यूरिंग अ पीक समर सीजन, दोनों ओपन है. ऑफ पीक में होटल ए रिमेन्स क्लोज्ड, रिमेन्स ओपन, एंड बी रिमेन्स क्लोज इवन दो दे बोथ मेक अ लॉस. तो दोनों का लॉस है विंटर में, स्टिल एक ओपन एक खुला. इट्स लाइक दैट एवीसी वाला पॉइंट. मतलब आपका जो आप बंद भी रख सकते हो, आप खोल भी सकते हो, इट्स ऑन यू. आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रहा है, बट आपका वेरिएबल कॉस्ट पूरा कवर नहीं हो रहा. तो पीक सीजन में आपका फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूरा कवर हो रहा है. आपके ऑफ पीक सीजन में क्या हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, बट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर आप बिजनेस चलाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, वो आप कवर करो और अपना बिजनेस चलाओ. सेम दिस हैपेंस व्हेन, दिस हैपेंस व्हेन योर पी इज इक्वल टू ए बी सी. इस पॉइंट पे होते हैं. आप बंद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. तो एक्सप्लेन द मोस्ट लाइकली रीजन, होटल ए रिमेन्स ओपन, बी रिमेन्स क्लोज्ड बाय रेफरिंग टू देयर पॉसिबल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ आप लोग क्या बोलोगे? ए हो सकता है ओपन इसीलिए रहता हो क्योंकि स्लाइटली उसका पी इज ग्रेटर देन एवीसी, बट पी स्टिल इज लेस देन एसी. तो फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरा कवर नहीं हो रहा, बट एवीसी का सम पार्ट उसका कवर हो जा रहा है, तो वो ओपन रख के वो चला रहे. हो सकता है होटल बी का रेवेन्यू उतना ज्यादा हाई नहीं हो कि वो अपना एवीसी भी कवर कर पाए, तो
तो वो बंद कर दे रहा है, हो सकता है उसका इज लेस देन एवीसी, तो ये आपको समझा देना है। नेक्स्ट बोला एक्सप्लेन वेदर होटल ए एंड बी विल सेट देयर रूम प्राइसेस इन द रीजन वेयर देयर डिमांड कर्व्स आर प्राइस इलास्टिक और इन इलास्टिक। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ा ही। अगर आपका प्राइस है तो इस रीजन में जनरली हम प्राइस सेट करते हैं ना, ये आपका एमसी हो गया और ये आपका एमआर हो गया। तो इस रीजन में जहां पे आपका प्राइस इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म के लिए ये इलास्टिक है, पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ा था ना हमने, ये वाला रीजन इन इलास्टिक होता है, ये वाला रीजन, सो दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, मतलब दोनों, और दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, सो दोनों इस रीजन में दे विल चार्ज। ठीक है, एमआर इक्वल्स एमसी और ये सब सब समझा देना, डायग्राम को समझा के बता देना, डायग्राम बनाना नहीं ऑब्वियसली। ये वाला बोलो क्या होगा, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, तो ये दिया हुआ है प्राइस ऑफ गुड एंड ये दिया हुआ है डिमांड फॉर गुड। कैलकुलेट द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस ऑफ 16। 16 पे क्या आ रहा है, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी याद है? चेंज चेंज इज टू 2 by 1 की 1/2 क्वांटिटी, ये है ना 1/2 इंटू 16/2 कितना आ रहा है, -4 इज द आंसर। ये सब सब मार्क कर लो, प्रैक्टिस करना है सब। नेक्स्ट बोलो स्टेट द प्राइस रेंज ओवर विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू और लेस देन 1। अरे ये वही है कि ये तुम लोग का डिमांड कर्व है, तो ये यूनिट प्लाई यूनिट इलास्टिक है, इसके ऊपर जितने भी यूनिट इलास्टिक कब आ रहा है, स्टेट द प्राइस रेंज ओवर विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू और लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक इसके नीचे होता है, ये कब हो रहा है, देखो ना कि इलास्टिसिटी कब अचीव हो रहा है, इधर हो रहा है क्या, मतलब फॉर द प्राइस रेंज 10 to 6 to 10, क्योंकि यहाँ पे यूनिट आ रहे हैं 1/2 इंटू 12/4 कितना होता है, 8, 12/8 मतलब इलास्टिक है, तो उसके नीचे इलास्टिक, ठीक है ओके 6 to 10। नेक्स्ट कैलकुलेट द आर्क प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अ प्राइस राइज फ्रॉम 8 to 12, तो 8 to 12, 8 से 12 मतलब आपका कितना हुआ परसेंटेज चेंज इन 6 - 4/8 to 10 बोला है ना, तो 8 - 10, अच्छा सॉरी 8 to 12 है, सो 8 to, हाँ 12 इंटू 8/6 कितना आ रहा है, ये होता है आर्क इलास्टिसिटी ओरिजिनल। एक सेकेंड, आर्क इलास्टिसिटी का हमने किया था, अगर कुछ नहीं गिवन हो तो एवरेज मेथड यूज करते हैं, आप लोग ये चीज ध्यान रखना, हमने उस दिन भी डिस्कस किया, नॉट ओरिजिनल मेथड, अगर कुछ नहीं दिया हो तो एवरेज मेथड यूज करते हैं, तो एवरेज कितना आ रहा है ऑफ प्राइस 20/, ये हो गया 10 और 10/2, 5, तो कितना आ रहा है बताओ, 2/5,
4 -1 आ रहा है। लिख लो, जब भी कुछ नहीं हो, हमने उस दिन भी एक चीज किया था, आर की इलास्टिसिटी अगर कुछ नहीं दिया हो तो एवरेज मेथड यूज करते हैं। अ 4% प्राइस राइज फॉर गुड वाई लीड्स टू अ फॉल इन डिमांड फॉर गुड एक्स बाय 2% ऑफ 2%। मतलब प्राइस राइज आपका 4% का है एंड फॉल इन डिमांड हो रहा है 2% का। स्टेट वेदर गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। प्राइस राइज लीड्स टू फॉल इन डिमांड इज कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव। कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी तो कैसे करेंगे, 2% बाय 4% 0.5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक का फॉल है। ठीक है, तो माइनस साइन यू कैन नॉट स्किप इन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, डिस्कस द रेलेवेंट बैरियर्स टू एंट्री दैट न्यू एंट्रेंस वुड बी लाइकली टू फेस व्हेन सीकिंग टू एंटर द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में एक एक करके सारा बैरियर्स टू एंट्री जितना भी आप लोगों ने किया ना, मोनोपोली में स्ट्रेटेजिक नेचुरल बहुत सारे अलग अलग किए थे, तो उसमें क्या क्या हो सकता है बताओ। जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, उनका कॉस्ट कम, उनका स्पेशलाइजेशन है, दे हैव अ प्रॉपर टीम इन प्लेस, दे हैव प्रॉपर ब्रांचेस, तो उनका जो कस्टमर बेस है, ये चीजें अगर कोई नया एंट्रेंट आएगा तो उसके पास नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस और एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खाली बैंक तो आपको खाली एक सर्विस नहीं देता है बैंक। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का बात करें तो यहाँ पे आधार कार्ड वो जब हुआ था कुछ चेंजेस एंड ऑल, तो बोले थे बैंक से करो, लिंक कराना था या कुछ, तो बैंक जाके। सो दे डोंट ओनली प्रोवाइड यू लेंडिंग बोरोइंग फैसिलिटी, दे प्रोवाइड यू एडिशनल। उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है, रेवेन्यू बढ़ता है। सो वो वाला पॉइंट आप बोल सकते हो। और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एग्जिस्टिंग बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है, ओलिगोपोली बोल सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बैंक है उनका आपस में कुछ एक वो रहता होगा ना, कि आप भाई इंटरेस्ट रेट, अब ऐसा तो नहीं कि रैंडमली कोई भी आपको कुछ भी इंटरेस्ट रेट दे दे, आपस में दे हैव अंडरस्टैंडिंग कि आप इस इंटरेस्ट रेट से ऊपर नहीं जा सकते, तो उसको तोड़ना विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स नॉट अ मोनोपोली, इट्स एन ओलिगोपोली बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द, तो अच्छे से प्रॉपरली हर चीज को आपको समझाना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कार इंडस्ट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो व्हेन यू कैलकुलेट जीडीपी, वैल्यू एडेड फीचर क्या होता है उसमें? इन एग्जाम्पल ऑफ कार इंडस्ट्री आपको बोल, ओके। सो क्या होता है बताओ वैल्यू एडेड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी कार इंडस्ट्री? पहले वैल्यू एडेड अप्रोच का बताना है। वैल्यू एडेड अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डबल काउंटिंग नहीं करते, उसको समझा देना। हम लोग हर एक कंपोनेंट को लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेटल जो प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, उसका जो कॉस्ट लगा, फिर मेटल किसी और के पास गया, तो वो नहीं देखते कि वो किस प्राइस में खरीद रहे, वो देखते हैं कि वो जो एंड प्रोडक्ट उसका बना के दे रहे, तो वो माइनस करते हो आप। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। टायर्स होते हैं कार में, उसका समझा सकते हो कि टायर में जो आपका रबर यूज होता है तो वो रबर का प्रोडक्शन, फिर उसमें जो भी वैल्यू एडिशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो एवरी स्टेप बाय स्टेप वो पूरा तुम समझा देना। ठीक है, दैट्स 2 मार्क्स ओनली। सो यू जस्ट एक्सप्लेन इन 4-5 लाइन्स। डिस्क्राइब हाउ इन्वेंट्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन एंड ओनर ऑक्यूपाइड आर अकाउंटेड फॉर इन मेजरिंग जीडीपी यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इन्वेंट्री कैसे लेते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक हम लोग लेते हैं जो ईयर एंड पे होता है, या सॉरी जो इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, वैल्यू ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द स्टॉक एडेड इज टेकन इन टू अकाउंट। एंड ये हो सकता है फिनिश्ड गुड्स के लिए भी और अनफिनिश्ड गुड्स के लिए भी, जो भी इंक्रीज डिक्रीज इन आपका इन्वेंट्री होता है आप वो लेते हो अपने जीडीपी में।
गवर्नमेंट एडुकेशन पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे टीचर्स को पैसा देना, स्कूल बनाना, ये काउंट होगा. बट अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट है तो वो काउंट नहीं होगा. तो ये चीज मेंशन कर देना, इफ इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट वो काउंट नहीं होता है. बट एडुकेशन सेक्टर में आप टीचर्स को दे रहे हो, स्कूल्स बना रहे हो, तो वो काउंट होगा. और ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग को आप कैसे लोगे? डू यू कंसिडर इम्प्लिसिट कॉस्ट ओवर हियर? इम्प्यूटेड कॉस्ट इज नॉट एडेड एक्चुअली इन द इम्प्यूटेड कॉस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट हम लोग लेते हैं, एंड वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है. बट आप कंपेरेबल प्रॉपर्टी में लेते हो, सिमिलर रेंट अगर किसी का है, आप उतना ऐड कर देते हो. ठीक है, नेक्स्ट 32 करो. केन्शन इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होगा? वो पूरा ऐड करना है. 300 सेवन डिस्पोजेबल इनकम, मतलब बेसिकली ना ये वो बोल दिया एमपीसी. एमपीसी ये वाई डी है, बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम बोला है. और टैक्स रेट 25% है, तो इसको हमने कल किया था ना, वैसे ही करेंगे. वाई माइनस 0.25 ऑफ वाई प्लस 250 प्लस 200 इन्वेस्टमेंट जी एक्सपोर्ट प्लस 150 माइनस 0.15 इक्वल्स वाई. तो वाई सॉल्व कर लो. ठीक है, वाई सॉल्व कर लो. कैलकुलेट द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 प्लस 0.7, ये वाला पार्ट पूरा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनटू वाई जो भी वाई आ रहा था. कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल. करंट अकाउंट मतलब आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो ये आ गया इम्पोर्ट 0.5 0.15 ऑफ वो करके, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से आपका पता चल जाएगा. कैलकुलेट द फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट एट द इक्विलिब्रियम लेवल. फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का टैक्सेशन आपका दिया हुआ है इस 25, तो आपका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो 200 आपका जी हो गया. और टैक्स आप निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट. डिस्क्राइब वॉट इज मेंट बाय डिमांड एफिशियंट अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिकेटिंग हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन बोथ इकोनॉमी एंड लेबर मार्केट. डिमांड एफिशियंट कौन बताएगा? लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एंड इकोनॉमी में वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? आपका एग्रीगेट डिमांड कम होता है, तो देर इज इन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट. ना इक्विलिब्रियम नहीं, इन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट होता है. एंड लेबर मार्केट में ये इन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट आप बोलोगे. डिस्कस द केन्शियन इकोनॉमिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू ब्रिंग एन इकोनॉमी फेसिंग डिमांड एफिशिएंट क्लोजर. कैसे करते हैं केन्शियन इकोनॉमी में, क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, तो बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन करो एंड एक्सपेंशनरी गवर्नमेंट पॉलिसीज लेगा, जी बढ़ाएगा, मोटिवेशन होगा, बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा, एमपीसी इंक्रीज करो, मल्टीप्लायर इफेक्ट. केन्शन इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड ऑल दैट. तो उसको आपको समझा देना है, ये वाला करो. तो करो करो.
इसके कैमरे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल State the assume real wages flexible. State the number of voluntary unemployed in equilibrium level wage rate. क्या होगा? Voluntary unemployment क्या होगा? At the equilibrium, equilibrium wage rate कब आ रहा है? Demand for labor will accept a job or labor force will accept a job में रहते हैं. ये आपका वो ये n है. और ये वो aggregate supply है. और ये एग्रीगेट डिमांड है. तो ये दोनों कहाँ इक्वल आ रहे हैं? इस पॉइंट पे इक्वल आ रहे हैं. तो इस पॉइंट पे आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया? इस दोनों को माइनस कर दो. 70,000 आ रहे हैं. इन दोनों को माइनस कर दो ना. ये एन है. स्टेट द लेवल ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इफ द वेज रेट इज रिजिड एट 1 per hour अबव द इक्विलिब्रियम. मतलब यहां पे हो गया. तो इनवॉलेंटरी कितना हो जाएगा? इन दोनों को माइनस करो. 80,000 हो गया. एक्सप्लेन द रीजन व्हाई गैप बिटवीन द नंबर हु विल एक्सेप्ट अ जॉब एंड लेबर फोर्स नैरोज. तो ये आप लोग को बोल देना एज द वेज रेट इंक्रीजेस तो लोगों का विलिंगनेस इंक्रीज हो जाएगा. वो सब बेसिकली क्या होता था? ये होता है आपका ASL है ना, और ये एन होता है ना. तो ये गैप नैरो हो जा रहा है. Assume that the starting at equilibrium wage there is a cut social security benefit. What will happen to equilibrium wage rate and total employment if at any given wage hour extra workers prepared to accept the job than prior? So obviously, आपका क्या होगा? Social security अगर कम होगा, people will be willing to accept. मतलब ये लोग इसमें अब आ जाएंगे. So इससे unemployment बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना. लोग विल एक्सेप्ट करेंगे तो इवन दे विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट एट अ लोअर वेज. लोअर वेज पे भी एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे. सो अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. क्योंकि क्योंकि वो लोअर वेज रेट पे भी अब विलिंग हो गए ना एक्सेप्ट करने के लिए. यहां आ गए तो ये बढ़ जाएगा. तो यहां पर ये इक्वल हो जाएगा ना. स्टेट द टोटल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट If the government introduces a payment of 2 per hour to each employee at each level of age rate, तो अब अगर 2 देने के लिए रेडी हो गया है तो ये इतना ही रहेगा. डिमांड में कोई चेंज नहीं है. ये एक एक ऊपर दो दो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो अब न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा? ध्यान से करेंगे सब कोई, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये अपना नहीं चेंज है, ये एज इट इज वैसा ही रहना है. ये आपका दो दो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. मतलब ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा. दो दो ऊपर शिफ्ट हो गया ना. क्योंकि अब तुमको क्या हो रहा है? तुमको बेसिकली अब यू आर रेड. तुम यहां जब तुम काम कर रहे हो तुमको 11 मिल रहा है बिजनेस से और 2 दे रहा है तुमको गवर्नमेंट. सो एक्चुअल में अगर वेज रेट 11 है सो दिस इज द एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर एंड एट 11 व्हाट इज द सप्लाई? दिस इज द सप्लाई. क्योंकि एक्चुअल में ये तुम्हारा 13 है ना, 11 प्लस 2 मिल रहा है. तो कब इक्वल आ रहे? देखो 480 इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 का गैप है. 2 का गैप में इक्वल करना होगा. सो 2 का गैप में 520 इक्वल आ रहे हैं. क्योंकि जब आपका वेज रेट 10 है तो 520 है आपका डिमांड और सप्लाई भी इतना है क्योंकि दिस इज 10 प्लस 2 12. गॉट इट? समझाओगे? और 1 mark है तो ज्यादा कुछ नहीं समझाना है. तो 1 mark है तो आपको खाली बोलना है रियल वेज इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम कंपनी एंड प्लस 2 यू आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. बस. सो योर विल एक्सेप्ट टू जॉब जो भी है That is for not that real wage rate, but plus 2 कर दो उसमें. बस 2 लाइन लिख के आपको आंसर 1 mark में ज्यादा नहीं समझाना है. सो 52. डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली. तो ये आप लोग
कर लोगे, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स, तो आपको सब कुछ बताना है. सोशल ऑप्टिमम अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्राइस कम होता है और क्वांटिटी ज्यादा होता है एमसी में, और एम में आपका दोनों प्राइस ज्यादा एंड क्वांटिटी कम है, तो वो चीज पूरा समझाओगे रेफरेंस लेके. ये पूरा रेफरेंस करना पड़ेगा इसमें. तो अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ अ सेंट्रल बैंक्स अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग डिफर्स फ्रॉम अ मोर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी. तो अनकन्वेंशनल में क्या होता है? कन्वेंशनल तो था बाइंग सेलिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड अनकन्वेंशनल हो गया फॉरवर्ड गाइडेंस, ए मॉनेटरी पॉलिसी है फॉरवर्ड गाइडेंस. उसके बाद लोगों को एनकरेज करना, पढ़ा बैंक्स को मोटिवेट करना कि भाई आप क्वांटिटेटिव ईजिंग में वो क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन दो. हाँ, तो वो पूरा तुम लोग बता दोगे. डिस्क्राइब द लाइकली शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग. क्वांटिटेटिव ईजिंग से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो जाता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, डिमांड बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है एंड ऑल दैट. हाउ क्वांटिटेटिव ईजिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ डिफरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन फाइनेंशियल मार्केट. गवर्नमेंट बॉन्ड्स का प्राइस कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है. सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है एक्चुअली शॉर्ट टर्म में. ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, एंड सिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन जनरल भी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि यील्ड मार्केट में बढ़ रहा है. इक्विटीज में क्या होगा? लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? पीपल आर, सिंस इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स बॉन्ड्स, एंड सो इक्विटी से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, तो इक्विटी का प्राइस भी कम हो जाएगा. ठीक है, कमेंट ऑन एनी प्रॉब्लम. क्लियर है ना क्यों कम होगा इक्विटी का प्राइस? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बॉन्ड्स में डाल रहे हो पैसा, इक्विटी आपके पास पैसा तो लिमिटेड है ना, तो इक्विटी का प्राइस कम हो जाएगा. कमेंट ऑन एनी प्रॉब्लम फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमी दैट अ पॉलिसी ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग मे कॉस्ट. तो क्या बोला है, मे कॉज फाइनेंशियल मार्केट में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, हिंड्रेंसेस हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगा, पता नहीं है गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या करेगा, उसकी वजह से पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैव गॉन डाउन. फाइनेंशियल मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी हो गया है, पीपल आर रियल मनी, आपका इन्फ्लेशन हो रहा है ना क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन होने से क्या होगा, रियल मनी विल गो डाउन, परचेजिंग पावर विल गो डाउन. तो ये पूरा आप लोग इसको समझा दोगे. ठीक है, दिस इज डन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑन क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसको पूरा रीड कर लेना. वेरी गुड जानवी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा. ठीक है, तो वो पूरा समझा देना. सो लेट्स डू इट टिल हियर फॉर टुडे, एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज